हेलो देश के वीर सैनिक, वो क्या हालचाल। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 की, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस सेट खुद से करना है, ठीक है, और आपको बताना है एट दी एंड कि आपने कितना स्कोर किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है? 5 होल 2 बाई 3, 16 होल 1 बाई 5 और 12 होल 1 बाई 3। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 बाई 3, 16 प्लस 1 बाई 5 और ये माइनस का 12 और यहाँ पे बाहर नेगेटिव है, तो ये भी आपका नेगेटिव का कितना हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 5 को ऐड कीजिए, 21 हो जाएगा। 21 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, करेक्ट। तो 21 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे, बहुत इजीली माइनस कर सकते हैं, 11 में 2 गया 9 और यहाँ पे कितना बचा, 1 में से बन गया 0, तो 9 बचा। अब देखिए 2 बाई 3 है और 1 बाई 3 है, सॉरी 1 बाई 5 है, ठीक है। अब ये देखिए 2 बाई 3 है और यहाँ पे देखिए माइनस का 1 बाई 3 है, तो 2 बाई 3 में से 1 बाई 3 हटाएंगे तो प्लस का 1 बाई 3 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 1 बाई 5। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो 5 वन जा 5 और 3 वन जा 3 और अपॉन में 5 3 जा 15, तो ये कितना आ गया, 9 प्लस 5 3 8 8 बाई 15, तो ये कितना आएगा, 9 होल 8 बाई 15, करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ रहा है और इसे आप अपने ऑप्शन में मैच करा सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। तो अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट पता है, मैंने आपको बोला कि 30 तक के आपको स्क्वायर रूट याद करने हैं, तो अगर आपने वो चीज फॉलो की है तो डेफिनेटली इसका आंसर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 18, और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 9 2 जा 18, तो आपका आंसर कितना आ गया 2, जो कि ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पूछा एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 48, तो कोई बात नहीं, आप बड़े आराम से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 2 1 2 2 4 2 1 2 फिर 1 आपका रिमाइंडर बचा फिर कितना हो गया 16 2 1 16 और ये आपका कितना हो गया 2 4 2 हो जाएगी फिर यहाँ पे 6 यहाँ पे 9 फिर आपका 12 फिर आप 2 से दीजिए ये 3 9 एज इट इज और 2 6 12 फिर आप किससे दीजिए 2 से दीजिए फिर 3 9 फिर यहाँ 3 आएगा अब आप फिर से दीजिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 एक 3 से आप और देंगे क्योंकि 1 3 1 बचा है तो 1 एज इट इज 3 1 जा 3 3 1 जा 3 अब सारे 1 1 हो गए। तो देखिए 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 48 को आपको 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 3 8 जा 24 कैरी 2 3 4 जा 12 और 2 14, तो 144 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप हमारे अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से इस कोर्स को परचेस करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट करके अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे कोर्स की ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखिए कितना है, 377 डिवाइड में आपका 13, फिर डिवाइड में 29, फिर आपका इनटू में 1 बाय 4 और फिर डिवाइड में 2। तो देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 377, फिर एक डिवाइड खींचा आपने, एक लाइन खींची, फिर 13 और 29, ये 13 और 29 आएंगे डिवाइड में किसके, 377 के, लेकिन आपस में इनमें इनटू का साइन होगा, फिर इनटू में आपका कितना है 1 बाय 4, फिर आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। तो एक काम कीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 बाय 1 है, इसको हम 2 बाय 1 लिख सकते हैं, इसको पलट के लिख दीजिए। तो देखिए आप 13 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ज्यादा हो जाएगा, तो 13 2 जा 26। अब 37 में से आप 26 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, तो ये कितना हो गया 117, 39 जा 117, 39 जा 117 होता है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर 29 से 29 को कैंसिल करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 बाय 4, यहाँ पे इनटू में 1 है, 1/1 लिख सकते हैं आप, और इनटू में 1 बाय 2। तो देखिए 1 × 1 × 1 कितना आएगा 1, और 1 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, तो 1/8 आपका आंसर आ रहा है, जो कि आप ऑप्शन डी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, हाउ मच शी विल अर्न इन 10 डेज इफ अ वुमन अर्न्स डेली 50 रुपीस। अगर पर डे का अगर कोई वुमेन 50 रुपीज अर्न कर रही है, राइट, तो 10 डेज में कितना अर्न करेगी, 10 × 50 यानी कि 500 रुपीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो 500 है आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड 0.02% ऑफ 6500, तो ठीक है 0.02% है, तो परसेंट मतलब आपको 100 से डिवाइड करना है, और इनटू में ऑफ मतलब इनटू होता है, और 6500, तो 20 से 20 आपके कैंसिल हो गए, तो आपको 65 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 65 को डायरेक्टली आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा आपका 130, और अब आपको पॉइंट के बाद दो नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 1 2, तो ये 1.3,
राइट, ये 1.3 हो गया और आंसर आप देख सकते हैं आपका आंसर डेसिमल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस 1.3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या कीजिए 1.3 है ये पॉइंट हटाइए, इसे नीचे वन लगाइए और जिसके बाद जितने नंबर है उतने आपके जीरो लगेंगे, तो 13/10 क्या आएगा आपका आंसर आएगा, जो कि आप ऑप्शन ए में यहां पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम रुपीज 2600 फेच रुपीज 288 एट द रेट ऑफ 8%, तो ये फेच लिखा है ना रुपीज 288, इसका मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इस चीज का ध्यान रखना, और ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, तो आपको पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आपसे पूछा है, आपको पता होना चाहिए SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा SI इंटू 100 ओवर पी और आर डिवाइड में आएंगे, लेकिन आपस में इनमें इंटू असाइन होगा, तो देखिए ये आपका कितना आ गया टी, SI कितना आपका 288 इंटू 100 ओवर पी कितना आपके पास 2600 और इंटू में आर कितना है आपके पास 8, तो देखिए आप 20 से 20 पहले कैंसिल कर लीजिए, अब एक काम कीजिए आप यहाँ पे आप किससे कैंसिल कर सकते हैं 2 से कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे आएगा 1 2 4 8 2 4 8, ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे एक काम और कीजिए, ये आपका 8 के टेबल से डिवाइड कर लीजिए, 8 1 8 फिर आपका आएगा यहाँ पे 8 1 8 6 बचेगा 64 फिर 8 8 64, तो ऊपर आप देख सकते हैं खाली 18 है और नीचे आपका 13 है, तो 18/13 ये आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि आप ऑप्शन ए में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पूछा था स्पीड ऑफ अ बस इज 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो ठीक है आपको किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको इस 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स इट, तो कितना आएगा आप देख सकते हैं 5/25, तो 250/18 है, तो 18 से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, तो 18 1 18 कितना बचा 25 में से 18 माइनस कर दिया 7 बचेगा, फिर 70 हो गया, फिर 18 देखिए अब 18 5 90 होता है और 18 4 72, तो यहाँ पे आपका कितना बचा 72 भी ज्यादा है, तो 18 3 54, तो 70 में से जो आप 54 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचा, कितना बचा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बचा 6 में से 5 गया 1, तो आपका 16 बचा और 16 तो 18 से छोटा है तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, अब ये 160 हो जाएगा, राइट, अब 18 8 जो होता है आपका 160 तो आप 13.89 मीटर पर सेकंड इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड एक्चुअली यहां पे गलती से उसने आर लगा दिया, नो नीड टू वरी, तो 13.89 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इन द फिगर एंगल 150, तो देखिए एंगल 1 ये 50 है तो एंगल 3 भी क्या होगा 50 होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 4 अगर 40 है तो एंगल एंगल 2 भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, पूछा कितना है आपसे एंगल 2 बताओ और एंगल 3 बताओ, तो एंगल 2 आपका कितना है 40 पहले वो लिखिए, फिर एंगल 3 कितना है आपका 50, तो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आपका आंसर होगा, 40 एंड 50 यानी ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 32 मीटर देन फाइंड एरिया, तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, देखिए ये थोड़ा रेक्टेंगल बन गया, ये देखिए ये साइड और ये भी साइड, तो साइड इनटू साइड क्या होता है आपका आंसर होता है, तो कितना आएगा एरिया 32 इनटू 32, तो जब 32 आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आपका आंसर निकल के आएगा, मैंने आपको बताया कि 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, यानी 1024 कहां पे मिल रहा है ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ये आपका क्या है राइट आंसर है। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और अब मुझे अपना स्कोर बताना मत भूलना, मैं भी जानना चाहूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, तो आपका स्कोर क्या है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।